देखिए लास्ट वीडियो में आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से प्लेन, जो पहले तो लाइन समझी, फिर प्लेन जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है। यहाँ पर हम फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, 11.3 जो है आपके एनसीईआरटी में। तो देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिखने हैं, सब जने तैयार हो जाओ। यहाँ पर लिखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपसे कहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप बताइए, फाइंड करिए। व्हेन व्हेन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस आर गिवन, है ना? क्या चीज? नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस आर गिवन, है ना? तो डिस्टेंस गिवन है और नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है, तो तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। पहले मैं बना देता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनती है। ये है आपके सामने इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, और ये है आपके पास उसका नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि डायरेक्शन रेशो, ये बता दिया मैंने आपको, है ना? और डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस, डी बोलते हैं इसे, इसे एन कहते हैं, वेक्टर एन, है ना? तो वेक्टर एन और डी दोनों गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, तो दो फॉर्म होगी इसकी, है ना? हर बार दो फॉर्म होगी, इसमें लाइन में भी था और प्लेन में भी है। एक तो है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म कह सकता हूं मैं इसे, और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में डिफरेंस क्या है? वेक्टर जैसे कि कैप आई, कैप के, कैप जे, ऐसे नोटेट करा जाता है, ऐसा नोटेशन होता है। और कार्ट स्क्रीन पॉज हो गया, अभी बताते हैं, ठीक है? तो पहले है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वेक्टर आर डॉट कैप एन इज इक्वल टू डी, और कार्टेशियन में क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैप एन जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, यानी कि जब भी आपको डिस्टेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो, तो जो ये दूरी है यहां से यहां तक दूरी दे रखी है, तो उस अगर उस समय डिस्टेंस दे रखा है तो हमें नॉर्मल टू द प्लेन यानी डायरेक्शन जो है वो क्या लेना होगा, यूनिट वेक्टर लेना होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो एक होना चाहिए। तो कैप एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है वेक्टर एन अपॉन में वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड, दिस इज कैप एन, ठीक है ना? और ये डी क्या होता है, ये डी डिस्टेंस है, आपको पता है, ठीक है ना? एल एम और एन क्या होता है, एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन होती है, डायरेक्शन कोसाइन, और आपने बिल्कुल समझ लिया होगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन निकलता कैसे है, रेशो से निकलता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको ये दो रूल है आपके सामने, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अगले रूल पे चलते हैं, टाइप सेकंड के पास चलते हैं, ये टाइप फर्स्ट था, अब टाइप सेकंड पे चलते हैं। टाइप फर्स्ट लिख देता हूं, आप भी लिख सकते हो। हाँ जी ठीक है, टाइप सेकंड पे चलते हैं। टाइप सेकंड क्या कहता है, टाइप सेकंड में कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है आपको, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना? व्हेन व्हेन पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन इज गिवन, जब क्या गिवन हो, पासिंग पॉइंट गिवन हो और नॉर्मल टू द प्लेन गिवन हो, नॉर्मल और पासिंग, यानी कि एक प्लेन दे रखा होगा आपको, ये रहा वो प्लेन, इस टाइप से प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि ये वेक्टर फॉर्म में ये नॉर्मल वेक्टर एन दे रखा होगा, और कोई भी एक पासिंग पॉइंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम पासिंग पॉइंट को। तो दो ही फॉर्म होती है, एक होगी वेक्टर फॉर्म और एक होगी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ओके। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, यहां पर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए ब्रैकेट ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? एक कौन होगा, ए होगा इसमें पासिंग पॉइंट, पासिंग
है ना, पॉइंट, यानी कि पासिंग जो है पोजिशन वेक्टर। उसके बाद एन कौन होगा, एन होगा नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला देख लेते हैं, ए ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी ब्रैकेट ऑफ वाई माइनस वाई वन प्लस सी ब्रैकेट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकाल रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते वक्त ज्यादातर यही फॉर्मूला लगेगा, आपको ध्यान रखना। पीछे जो पहला जो टाइप है उसके अंदर डिस्टेंस होना जरूरी है, और यहाँ पर पासिंग पॉइंट और नॉर्मल टू द प्लेन होना जरूरी है। उसमें डायरेक्शन रेशो और पासिंग पॉइंट क्या होता है, पासिंग पॉइंट जो होगा वो होगा आपके सामने एक्स वन वाई वन और जेड वन, और डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो जो होगा वो होगा ए बी और सी, ठीक है। तो ये आपके सामने है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन की दूसरी टाइप। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, तीसरी टाइप के पास चलते हैं, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आपको व्हेन व्हेन थ्री पॉइंट्स आर गिवन, अगर तीन पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि ए पॉइंट दे रखा है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी पॉइंट दे रखा है आपको एक्स टू वाई टू जेड टू, और सी पॉइंट दे रखा है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, बीच में कोमा का निशान भी होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट की तरह दिखाते हैं ना। ओके फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, तो अगर एक तीन पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये पोजीशन वेक्टर भी है, तो दो फॉर्म होगी, एक वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में आप लिखेंगे क्या, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। दूसरा होता है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन। यहां हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, एंड यहाँ पर एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। इसे भी कॉपी कर लीजिए, ये तीन बेसिक रूल बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये बेसिक रूल है, हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए पहले, और ये बेसिक रूल है मैं आपको बता दूं, इसके अलावा बहुत सारे रूल्स अभी बनेंगे, लेकिन आपको ये तीन बेसिक रूल तो बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं पहले, है ना, एक एक करके क्वेश्चन, क्योंकि सारे रूल एक साथ बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा ना, हम क्वेश्चंस पे पहले चलते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चंस यही हो जाएंगे तो आपको इसे समझने होंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, 3.1 का पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपके सामने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि ये जितने भी केसेस चारों दे रखे हैं इसमें डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो इन सभी केसेस के अंदर दो चीजें निकालनी है, एक डायरेक्शन कोसाइन और एक डिस्टेंस। आपको दे क्या रखा है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जेड की वैल्यू दे रखी है 2। ओके, जेड की वैल्यू 2 दे रखी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम देखते हैं क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है 0x + 0y + 1 जेड बराबर 2। यानी कि इसी क्वेश्चन को मैंने उस फॉर्मेट में लिखा जिस फॉर्मेट में मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन दिखी थी, 0x + 0y + 1z इज इक्वल टू 2, है ना, 0x 0y तो लिख सकते हैं ना। अभी दिमाग रखना, ये यहां पर समझना ध्यान से कि 0 0 और 1
ये डायरेक्शन रेशो भी हो सकती है, डायरेक्शन रेशो भी हो सकती है और डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकती है। ओके, ये जो 0 0 1 है, डायरेक्शन रेशो भी हो सकती है और डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि एक्स के साथ जो संख्या है और वाई के साथ जो संख्या है और जेड के साथ जो संख्या है, ये डायरेक्शन रेशो भी हो सकती है और डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकती है। दोनों में क्या फर्क होता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। डायरेक्शन रेशो जो है उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ये डिफरेंस होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो देखो, 0 का स्क्वायर करो, यहां से 0 का स्क्वायर करो, प्लस 0 का स्क्वायर करो, प्लस 1 का स्क्वायर करो, आंसर क्या आया, 1। अगर आंसर 1 आया तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं एल बराबर 0, एम बराबर 0 और एन बराबर 1। सिंपल है ना, डायरेक्शन कोसाइन बन गया अब ये। और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या होगी डिस्टेंस। ये कौन से रूल से बन गया डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस की वैल्यू कहां से आ गई है, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ प्लेन से कंपेयर करेंगे। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, आप लिखेंगे बट इक्वेशन ऑफ प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी बाय कंपेयरिंग वी गेट। हमें कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, हमें एल की वैल्यू मिलेगी 0, एम की वैल्यू मिलेगी 0, एन की वैल्यू भी मिलेगी 1 और डिस्टेंस मिलेगा 2। तो बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, कॉपी आपने कर लिया हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको कहता है, ये आपको दे रखी है इक्वेशन, ऐसे ही थर्ड में दे रखी है, ऐसे ही फोर्थ में, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं, तो ध्यान से समझना। देखो मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया हूं और आपको आता है तो मेरे से पहले पहले करेंगे, है ना, कोई होमवर्क नहीं होगा, यहीं पर कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। आप सबसे पहला दिमाग क्या लगाओगे, क्या यहां पर लिखी हुई संख्याएं यानी कि एक एक और एक, क्या इसे एलिमेंट बोल सकते हैं, क्या इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं, चेक करते हैं। हम साइड में सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये आ गया √3, √3 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया। अब हमें तो 1 ही चाहिए, हमारी इक्वेशन तो जब ही कंपेयर हो पाएगी, हमारी इक्वेशन जो थी टाइप फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग तो कंपैरिजन नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये थी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यानी कि जब ये डायरेक्शन कोसाइन होता है तभी ये डी होता है, तभी इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, ये डिस्टेंस होता ही जब है ना, तो अभी तो ये डिस्टेंस नहीं कहलाएगा ना, डिस्टेंस कब कहलाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस कब कहलाएगा, जबकि वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड बाय √3 बोथ साइड। भाई ये तो मैथ का नियम होता है ना, मैथ का नियम है कि कोई भी एक संख्या से आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो और डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हो डिवाइड करके मैग्नीट्यूड से, है ना। तो 1/√3 √3 आ गया एक्स, प्लस का 1/√3 आ गया वाई, प्लस का 1/√3 आ गया जेड, बराबर पे 1/√3 आ गया। भाई कर सकते हैं डिवाइड, मैथ्स का नियम है। तो ये जो संख्या है, ये और ये, अब ये एल एम और एन हो गई, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू 1/√3, एम की वैल्यू 1/√3 एंड एन की वैल्यू 1/√3 एंड डी की वैल्यू 1/√3। बहुत सिंपल हो गया ना। अब आपको शक हो रहा है कि सर जी क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है, पिछली बार तो नहीं था, क्या इस बार है, तो देखो हम कैसे करेंगे उसे,
यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको इस बार। ये इक्वेशन है और मैं ये कह रहा हूँ एलेवन है, तो √1/√3 का स्क्वायर, देखो ना एक्स के साथ जो संख्या लिखी है, फिर उसके बाद प्लस का 1/√3 का स्क्वायर, प्लस का 1/√3 का स्क्वायर, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, एंड दिस इज 3/3 यानी के 1। तो बिल्कुल आना ही है, अगर डायरेक्शन रेशो को हम डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से तो हम डायरेक्शन कोसाइन ले लेते हैं, हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन शुरू कर दो। जिस भी स्टूडेंट को समझ में आता जा रहा है वो खुद से मेरे से पहले पहले करके बैठ जाए। सी पार्ट है इसमें ना, 1 2 3 नहीं दे रखा, सी दे रखा है, यहाँ पर सी लिख देते हैं। बी पार्ट था इससे पहले वाला, 2x + 3y - z = 5। तो देखो x के साथ जो कॉफिशियंट है अलग से सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 9 + 1, एंड दिस इज √14। तो आप करेंगे डिवाइड बाय √14 बोथ साइड। भाई क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन में तो नहीं किया था डिवाइड, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी वो डायरेक्शन कोसाइन था, ऑलरेडी उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है तो हम पहले डिवाइड करके उसे डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 3/√14y - 1/√14z = 5/√14। अब ये डायरेक्शन कोसाइन बन चुका है। जिसको भी इस पर शक हो कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, कैसे पता लगेगा, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, रूट करो, आंसर 1 आता है, अभी मैंने करके दिखाया। आप लिखेंगे हेंस, हेंस डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 2/√14, 3/√14 एंड -1/√14, और डिस्टेंस, ये दो ही चीज पूछ रहा था वो, इज इक्वल टू 5/√14, 5 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कभी भी इक्वेशन दे रखी हो तो डिस्टेंस और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ओके नाउ इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट डी। क्या दे रखा है, 5y + 8 = 0। अब देखो पहले तो 8 को राइट में ले जाएंगे, तो 5y = -8, और फिर सोचो कि ये जो संख्या है ये डिस्टेंस बनने वाला है, क्या बनने वाला है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो -5y = 8। अब ये संख्या जो आपको दिख रही है ये प्रॉपर प्लेन की फॉर्म आपको दिख नहीं रही है, वैसे है लेकिन आपको नहीं दिख रही, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 0x + -5y + 0z = 8। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपने 0x और 0z साथ में लिख लिया। अब चेक करते हैं क्या ये संख्याएं, क्या इनका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, चेक करते हैं। तो √0² + -5² + 0² ये तो 5 आ रहा है, 1 तो नहीं है, 1। तो हम क्या करेंगे, एक बनाने के लिए डायरेक्शन रेशो को कोसाइन बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 5 बोथ साइड, हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एक तरफ तो आ जाएगा आपके पास, यही लिख देता हूँ, 0/5 यानी कि 0x + -5/5 यानी कि -1y + 0/z यानी कि 0z = 8/5। इस जगह पर आके ये संख्याएं जो है इनका मैग्नीट्यूड बना रहा है, यानी कि ये एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ प्लेन LX + MY + NZ = D बाय कंपेयरिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 0 - 1, 0, और डायरेक्शन कोसाइन के बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू 8/5। ये आंसर आ गया है, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो हम चल रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन के पास। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर -1 है ये कांस्टेंट है, ये जो -1 है आप इसे डायरेक्शन कोसाइन ऐसे भी लिख सकते हो, और डायरेक्शन कोसाइन इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0, 1 और 0,
ये बात ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स आंसर देख के सोचते हैं हमारा गलत आया है, बिल्कुल ठीक है, आप इसका निकालोगे तो भी डायरेक्शन कोसाइन है और ये है डायरेक्शन कोसाइन। क्यों? क्योंकि अगर माइनस से हर तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी उसका मैग्नीट्यूड वन ही आएगा, और मैग्नीट्यूड वन आना ही डायरेक्शन कोसाइन को दिखाता है, ठीक है ना, दोनों साइड में हो सकती है। फिलहाल अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना भी है और पढ़ना भी है। ओके, मैं इसे रब कर देता हूं तब तक। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करनी है इस बार, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 7 यूनिट, जिसका डिस्टेंस 7 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इज दिस। अरे बहुत सिंपल है, तीन टाइप की तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बताई थी मैंने, याद करो। क्या पहली टाइप के अंदर क्या बताया था, जब डिस्टेंस और नॉर्मल टू द पॉइंट दे रखा हो। दूसरी टाइप में क्या बताया था, जब पासिंग पॉइंट और नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा हो। तीसरी इक्वेशन ऑफ टाइप में क्या बताया था, जब तीन पासिंग पॉइंट दे रखे हो, है ना, ये तीन ही तो बताई थी मैंने, तो इस पे पहली वाली टाइप लग गई इसमें, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो गिवन है, क्या गिवन है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस 7 यूनिट, और नॉर्मल टू द प्लेन कितना दे रखा है, 3 कैप i प्लस का 5 कैप j एंड देन माइनस का 6 कैप k। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर लिखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वेक्टर r डॉट कैप n इज इक्वल टू d। अब कैप n कैसे निकलता है भाई, ये वेक्टर n तो हमारे सामने था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। क्या होता है मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 5 5 25 36। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा 6 5 11 और 9 जीरो हासिल का 1, 11 और 9 20 होते ना, और 2 2 4 3 7 70 आएगा आई थिंक, है ना। तो अगर 70 आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, हमारा आंसर तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हमारा आंसर आएगा ये वेक्टर आर, और वेक्टर एन कितना था, 3 कैप i प्लस का 5 कैप j माइनस का 6 कैप k अपॉन में √70 और इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7 थी। और जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल मल्टीप्लाई सॉरी 3 कैप i प्लस का 5 कैप j माइनस का 6 k कैप इज इक्वल टू 7 √70। ये आंसर आ गया, कॉपी कर सकते हो, फिनिश हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहता है क्वेश्चन थर्ड में कि आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है इन द फॉलोइंग प्लेन्स। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, इसको आपको कार्टेशियन बनानी है, वेक्टर में दे रखा है कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, ये दूसरा है ये तीसरा है, एक एक करके तीनों क्वेश्चंस करते हैं। आ जाइए इधर देखिए, ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, ओके, और तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट ए क्या कहता है, वेक्टर आर डॉट कैप आई प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप इज इक्वल टू 2। ये कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म देखते ही पता लग जाता है वेक्टर, क्योंकि कैप आई कैप के कैप जे दे रखा है, उसके बाद वेक्टर दे रखा है ना, अब इसे कार्टेशियन बनाना है। तो देखो ये वेक्टर आर है ना, ये जनरल पासिंग पॉइंट होता है, इसे कहते हैं हम जनरल पासिंग पॉइंट, है ना, यानी कि याद पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट की फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो यहां पर वेक्टर आर जो है ना, ये जनरल पासिंग पॉइंट है। देखो जब भी कभी इक्वेशन होगी तो उसमें एक जनरल पासिंग पॉइंट जरूर होगा, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलना। यहां पर ये चीज कनेक्ट नहीं कर रही होगी तो मैं इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 6, सपोज एक संख्या लिख रखी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपने एक टेबल बनाया एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 6। आपने इस तरीके से उसे लोकेट कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर भी 6 आ गया, तो इससे आपने ऐसे ग्राफ बना दिया, है ना, इधर बना लेते हैं पॉइंट को, ओके। अब इस इक्वेशन की जो जो लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है
और इसके दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, एक पॉइंट तो दे रखा है 0 और 6 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 6 और 0। अब उसके अलावा ये जो इक्वेशन है आपके सामने, इसमें एक्स कौन और वाई कौन है? तो आप कहेंगे सर एक्स कोमा वाई जो है वो जनरल जनरल पासिंग पॉइंट है, यानी कि ये कहीं पर भी हो सकते हैं। ये एक्स और वाई यहां पर भी हो सकता है, ये एक्स और वाई यहां पर भी हो सकता है, ये एक्स और वाई यहां पर भी हो सकता है। इस लाइन को इंफिनिटिव तक दोनों साइड से बढ़ाते जाओ और जहां पर भी आप एक्स वाई रखना चाहते हो आप रख सकते हो, और एक्स और वाई की जगह वैल्यू होगी। कहीं पर तो एक्स और वाई की वैल्यू 6 और 0 होगी, कहीं पर 0 और 6 होगी, कहीं पर कुछ और होगी, सेटिस्फाइड कंडीशन जो हो। तो जनरल पासिंग पॉइंट अगर नहीं है तो इक्वेशन भी नहीं बन सकता, याद रखना। तो ऐसे जब भी इक्वेशन की बात करूंगा, चाहे इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, चाहे इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, चाहे कार्टेशियन फॉर्म होगी, चाहे वेक्टर फॉर्म होगी, उसमें जनरल पासिंग पॉइंट जरूर होगा, जिसकी जरूरत जब हमें पड़ेगी तो हम उसे पुट कर देंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पर आर जो है वो जनरल पासिंग पॉइंट है, और वैक्टर आर इज इक्वल टू, अगर मैं लेट कर लू एक्स कैप आई प्लस का वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के। अब ये एक्स वाई जेड कौन है? ये कार्टेशियन फॉर्म में जनरल पासिंग पॉइंट है। कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बताई थी मैंने, उसमें जो एक्स वाई जेड होता है वो जनरल पासिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ एक्स, यहाँ पर रखने वाला हूँ एक्स प्लस का एक्स कैप आई प्लस का वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के मल्टीप्लाई बाय ये संख्या क्या है, कैप आई प्लस का जे माइनस का के इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कराएंगे आई के साथ, आई की मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो एक्स के साथ 1 की मल्टीप्लाई बताया था ना, एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस जेड की मल्टीप्लाई -1 के साथ इज इक्वल टू 2। दिस इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 इज द फाइनल इक्वेशन, कन्वर्ट हो गई। यानी जब भी कभी वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा हो तो आप उसे कन्वर्ट करके कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से मेरे से पहले पहले आप सेकंड क्वेश्चन करके दिखा दो और फिर थर्ड भी करके दिखा दो। सेकंड इक्वेशन में दे रखा है बी पार्ट में, वेक्टर आर 2 कैप i प्लस का 3 कैप j एंड माइनस का 4 कैप के। तो आपको पता लगा वेक्टर आर एक जनरल पासिंग पॉइंट होता है, और कार्टेशियन में भी पासिंग पॉइंट एक्स वाई जेड होते हैं। तो आप लेट कर सकते हो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस का वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के। जब पोजिशन वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो पासिंग पॉइंट को हम वेक्टर की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, एक्स कैप आई प्लस का वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के, और उसके साथ क्या लिख देंगे, 2 कैप i प्लस का 3 कैप j माइनस का 4 कैप के इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट। यहां दे रखा है वेक्टर r ब्रैकेट ऑफ, यहां पर है s माइनस का 2t, फिर उसके बाद आई कैप प्लस का 3 माइनस का t जे कैप, एंड देन प्लस का 2s प्लस का t के कैप, साथ में है इज इक्वल टू 15। तो आप लेट करने वाले हो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के, और यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एस माइनस का 2t आई कैप प्लस का 3 माइनस का t जे कैप प्लस का 2s प्लस का t और के कैप इज इक्वल टू 15। ओके, तो अब क्या करने वाले भाई, मल्टीप्लाई करा दीजिए इसकी, नहीं कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी भाई, देखो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई आई और आई 1 हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा एस माइनस का 2t x प्लस का 3 माइनस का t वाई प्लस का 2s प्लस का t जेड इज इक्वल टू 15, 15, और ये हमारा आंसर आ गया। तो थर्ड का सी पार्ट भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट है ए। देखिए ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन द फॉलोइंग केसेस, चार केसेस है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन।
ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है, ये ओरिजिन है 0 0 0, यहां से परपेंडिकुलर डाला है एक प्लेन पर, और इस प्लेन का फुट, इसे कहते हैं फुट, इसे कहते हैं टॉप, है ना। तो आपसे कहता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। आपको इक्वेशन दे रखी है पास, तो कैसे निकालेंगे देखो, इसका एक रूल होता है, समझते हैं इस रूल को, क्या होता है रूल। तो ये है आपके पास ओरिजिन 0 0 0, और ये है आपके पास प्लेन, ओके। और इस प्लेन का फुट जो है वो ये है पी, और इस वाले पॉइंट को आपको फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, पहले मैं एक तरीका बताऊंगा और फिर दूसरा तरीके के पास चलेंगे। देखो ये आपने ऐसे नॉर्मल बना दिया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है क्वेश्चन में, और वो दे रखा है पहले वाले में 2x प्लस का 3y प्लस का 4z एंड देन माइनस का 12 इक्वल टू 0, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो इक्वेशन होती है प्लेन की, वो ये है आपके सामने, उसकी जो नॉर्मल होती है यानी डायरेक्शन, वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि फिलहाल वो परपेंडिकुलर आपके सामने ये दिख रहा है, ओके। ये परपेंडिकुलर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन होगी, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या होती है, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि ये जो लाइंस ऊपर से नीचे आ रही है इसकी डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गई 2 3 और 4। और जरा सोचो, अगर इस लाइन का नाम मैं ओ रख दूं, इसका नाम मैं पी रख दूं, तो ओपी लाइन जो है, ओपी लाइन की डायरेक्शन भी तो यही होगी। यानी कि इससे एक कॉन्सेप्ट बन के आया, वो ये कि अगर कभी भी कोई प्लेन दे रखा है और उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है, तो इस लाइन की वही डायरेक्शन होगी जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ये प्लेन का नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब डायरेक्शन, है ना। जो प्लेन का नॉर्मल होगा वही लाइन की डायरेक्शन होगी, ये बात याद रखना, कब, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पर। इसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मैं बता दूंगा। ओ एक पॉइंट है 0 0 0, ओके, ये है पासिंग पॉइंट, इसे हम पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन बोलेंगे, ओके। और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन इज इक्वल टू नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, और ये क्या है 2 3 एंड 4, और ऐसा कब होता है, इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर एक लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है उस केस में ऐसा होगा, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब अगर मेरे को पासिंग पॉइंट गिवन है लाइक दिस, और मेरे को डायरेक्शन रेशो गिवन है ये रही, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, याद रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको 11.2 यानी पिछली एक्सरसाइज में कराई थी, वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन में ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। एक और भी होती है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर फॉर्म में ये होती है और कार्टिजियन में ये, तो हम तो कार्टिजियन की बात कर रहे हैं, कार्टिजियन फॉर्म, तो कार्टिजियन फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर ही नहीं रहे, ओके। तो एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू क्या है भाई, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये जेड वन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो उठा के रख देते हैं और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई ओपी, इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी नाम दे देते हैं इसका ना, ओपी, ओके। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी, एक्स माइनस का 0 अपॉन में 2 बराबर वाई माइनस का 0 अपॉन में 2 बराबर जेड माइनस का 0 अपॉन में 2, अगर मैंने इसे लेट कर लिया लैम्डा के बराबर, लैम्डा कोई संख्या हो सकती है, अगर तीनों बराबर है तो बराबर लैम्डा रख देते हैं, तो यहां पर एक्स अपॉन 2 बराबर लैम्डा हो जाएगा, वाई अपॉन में 2 बराबर लैम्डा हो जाएगा, और जेड अपॉन में 2 बराबर लैम्डा हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा, और z की वैल्यू आ जाएगी 2, क्यों होगा भाई, गलत हो गया, 2 नहीं हो सकते तीनों जगह, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 3 और 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पर 2 3 और 4 आएगा, सॉरी
ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, है ना। डायरेक्शन रेशियो तो अलग है ना उसके। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2, 3 और 4, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 लेफ्ट। ठीक है ना। पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट P वो आ गया 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। अब आप कहोगे सर P ही क्यों है लेंगे, तो मैं बता देता हूं। देखो आपके सामने एक प्लेन है, ये रहा, और उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया, ओरिजिन दे रखा है 0 0 0, ये फिक्स है ना। अब P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहां 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 पर भी हो सकता है, इस प्लेन पर भी हो सकता है, और प्लेन से बाहर कहीं पर भी हो सकता है। उसे कहते हैं जर्नल पासिंग पॉइंट। ये एक जर्नल पासिंग पॉइंट है जिसमें लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी, लैम्डा की जगह अगर 1 रख दिया तो पॉइंट्स अलग हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू अगर 2 रख दी तो पॉइंट्स अलग हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू अगर 3 रख दी तो पॉइंट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन वो सारे पॉइंट्स इस एक लाइन के ऊपर होंगे, इसीलिए कहते हैं जर्नल पासिंग पॉइंट। तो मैंने इस फॉर्म को जिसमें लैम्डा ही है ऑलरेडी, इसको मैंने कहा कि ये पासिंग पॉइंट है पी वाला, पी वाला जो कि किसको क्रॉस कर रहा है, जो कि प्लेन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट विद द प्लेन, जो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम पी था। तो एक प्लेन की इक्वेशन भी थी, प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसे लिखेंगे हम पट पॉइंट पी इज ऑल्सो पासिंग टू अ प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन क्या थी, प्लेन की इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3y + 4z एंड -12 = 0, यानी कि जो पासिंग पॉइंट पी, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो प्लेन का भी तो होगा कॉमन, तो 2x की जगह पर 2 लैम्डा लिख देंगे, सेटिस्फाई करेगा ना, 3y की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 लैम्डा लिख देंगे, और प्लस का 4z की जगह पर लिख देंगे 4 लैम्डा एंड -12 = 0। ना आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 16 लैम्डा = 12, ऐड कर देंगे इसे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16 और 25 और 29, 29 लैम्डा = 12, देन लैम्डा की वैल्यू 12/29, देन कोऑर्डिनेट यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज क्या था आपके पास, 2 लैम्डा था, 3 लैम्डा था और 4 लैम्डा था, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आपके सामने है, आप लिखेंगे 2 2 12 2 24 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दी ना 29, और ये आ जाएगा 36/29 और ये जाएगा 48/29, दिस इज द फाइनल आंसर। आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा था, मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको एक पॉइंट दे रखा है जो ओरिजिन है, वहां से एक परपेंडिकुलर डाला, कहां पर, एक प्लेन पर, वो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला है फुट वाला पॉइंट है, इसको फाइंड करो, प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी। तो मैंने क्या किया, पहले तो इक्वेशन ओपी की एक इक्वेशन निकाली, और वो इक्वेशन का फॉर्मूला आपके सामने ये है, और इक्वेशन निकालने के बाद मैंने उसे लैम्डा के बराबर रखा ताकि जनरल पॉइंट आ जाए, ये एक्स, ये वाई, ये जेड का। तो जनरल पॉइंट जैसे ही आ गया, मैंने इक्वेशन में एक्स वाई और जेड की जगह पर रख दिया, लैम्डा आ गया, वापस पॉइंट पर रख दिया, देन हमारा आंसर आ गया। तो ये तो है लेंथी प्रोसेस, एक शॉर्टकट प्रोसेस भी है इसका, वो वाला मैं जरूर बताऊंगा, बट इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा, मैं अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 पार्ट B, और इसमें देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो, 3y + 4z - 6 = 0, आपको पता है 0 नहीं है, तो 0x + 3y + 4z = 6, ओके, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसमें आप क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे, किसका, ये 0 0 0 3 और 4, इसका रूट निकालोगे, हर बार हर क्वेश्चन में इसका रूट निकालना है। तो प्रोसेस क्या हुआ ना, 3 3 9 4 6 16, फाइनल आया 5, आप उसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय फाइव बोथ साइड, है ना। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना है, इस वाले तरीके से करना है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ एल की वैल्यू आ गई 0, एम की वैल्यू आ गई 3/5, एन की वैल्यू आ गई आपके सामने ये कितना था, हाँ सही, 4/5, और
डी की वैल्यू आ गई आपके सामने 6/5। ठीक है, नाउ आपको कहता है, आपसे कहता है ओरिजिन डी है ना, ओरिजिन से तो होता है 0 0 0 है ना, ये आपका डी है 6/5। ओके, और ये आपका प्लेन है, इस प्लेन का ये पॉइंट फुट है पी, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, देखो पी पॉइंट के बारे में बताता हूं। तो लिखेंगे सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, स्पेशल ओरिजिन से अगर आएगा है ना, क्या होता है, ये होता है आपके पास एल डी, एम डी और एन डी। बड़ा सिंपल हो गया, एल डी, एम डी और एन डी। तो एल डी का मतलब हो गया एल की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 6/5 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एम डी इसकी गुणा इस पर करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18/25। उसके बाद एन की मल्टीप्लाई डी में करा देंगे तो 6 4 24/25। बात समझ में आई तो बता दीजिए, पिछला वाला जितना भी पैटर्न बताया था वो लेंथी था, ये वाला मेथड जो है ये आसान है, तो आप इस वाले को फॉलो करेंगे, 0 18/25 और 24/25। जिसके एनसीईआरटी की बुक में 25 नहीं लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, वो अपनी बुक में ठीक कर ले, क्योंकि ये आंसर जो है 25 होगा इसका, 5 नहीं होगा। अब चलो इसी प्रोसेस से हम पिछले वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ है, फोर्थ का ए पार्ट है, आंसर तो हमारा आ चुका है। आंसर देखो क्या है, यही देख लेते हैं, ये रहा आंसर, ये रहा हमारा आंसर, क्या आया है, आंसर आया था ये। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम इस आंसर पर निकालेंगे, 24/29, 36/29 और 48/29। देखो ये था 24/29, 36/29 और 48/29, ये हमने इतने लेंथी प्रोसेस से करा। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2x+3y+4z-12=0। 12 को उधर ले जाएंगे तो 2x+3y+4z=12, और इसके बटे में क्या कर देंगे, रूट से डिवाइड कर देंगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर+3 का स्क्वायर+4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √29। आप √29 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय √29 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 2/√29 और 3/√29, और y था है ना, और चलो मैं साथ ही लिख देता हूँ ना, एक साथ नहीं लिख रहा मैं, इसे x लिख लेते हैं पहले, इसे y और इसे 4/√29, z=12/√29। ओके, उसके बाद क्या करने वाले हो, l की वैल्यू कितनी है, 2/√29, m की वैल्यू कितनी है, 3/√29 है ना, n की वैल्यू कितनी है, 4/√29, d की वैल्यू क्या है, 12/√29। और आपको क्या बताया मैंने, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू होता है एल डी एम डी एन डी। तो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 की गुणा 12 में कराएंगे, 24/√29, और √29 और √29 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 36/√29 का √29 से मल्टीप्लाई, फिर 12 48/√29। बात समझ में आती है, मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो मुझे बता दो, 2/√29 × 12/√29, तो ऊपर 24 आएगा, नीचे 29 आएगा, तो ये डायरेक्ट आ गया, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ओरिजिन से फुट होगा, ओरिजिन से अगर आएगा तब तो ये नियम लगेगा, लेकिन अगर ओरिजिन की जगह कोई और संख्या हो तो क्या करोगे भाई, ये नियम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में प्रॉपर प्रोसेस से फॉलो करा जाएगा और आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, अगला वाला पार्ट दो पार्ट है, वो आपको खुद करने हैं। अब मैंने शॉर्टकट रूट बता दिया है तो आपको इसी से करना है, ठीक है ना, शॉर्टकट वाले तरीके से, कौन से वाले को, सी को और डी को, ये आप खुद करेंगे। तो आज हम सिर्फ 4 तक के क्वेश्चंस फिनिश कर रहे हैं, उसमें से 2 होमवर्क भी दे दिया मैंने। अगली क्लास में आप जब हमारे पास आओगे तो 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एक एक क्वेश्चन। प्लेन की एक्सरसाइज कितने ही बच्चे कर लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे होगा, इसलिए मेरे को एक एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा आपको। ठीक है,